तेरे को भी डालेगा और तेरे सारे कॉन्टेक्ट लिस्ट को भी डालेगा, और तेरे सिर्फ तेरे पिक्चर नहीं, तेरे फैमिली की, तेरे मदर की, सिस्टर की, जो खाला है, पप्पू है, जो भी है, जितने भी है, सबकी नंगी पिक्चर करके तेरे जो कॉन्टेक्ट लिस्ट है सब में डाल देगा। ठीक है, जब तू लोन ले रहा था ना, तू अपने गैलरी का एक्सेस दिया था ना, वो सारा डिटेल मेरे पास मौजूद है। अब तू वेट कर, मैं क्या करता है, पेमेंट कर, जल्दी पेमेंट कर, नहीं तो तेरे इज्जत का मैं कबाड़ा बनाता है। भी ये 7 डेज लोन ऐप इसी तरीके से टॉर्चर कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट पे फ़ोन मैसेज करके, फ़ोटो भेज के पैसों की डिमांड कर रहे हैं, पे करने के बावजूद भी आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं। आपको समझना होगा अब कि ये फेक ऐप है, ये कोई लोन ऐप नहीं है। ए क्रेडिट हो, सेफ मनी हो, ईजी मनी हो, नार क्रेडिट हो, बड़ी लोन ऐप हो, कैश वाइज लोन ऐप हो, ये सारे फेक ऐप हैं, सारे बैन हैं। जितने भी 7 डेज लोन ऐप हैं ये कम्प्लीटली बैन है इंडिया में, लेकिन आम आदमी को पता नहीं होने की वजह से ये आपको लोन देने के नाम पे आपके मोबाइल फ़ोन पे ऐप को इंस्टॉल करवाना, फिर आपका डाटा हैक करना और फिर आपके अकाउंट में ऑटो क्रेडिट करना, हफ्ते भर में फिर उसका डबल पैसा वसूलना, पेमेंट करने के बावजूद भी फिर ऑटो क्रेडिट, फिर ब्लैकमेलिंग। तो किसी भी 7 डेज लोन ऐप का आप रीपेमेंट नहीं करें, खुद को सेफ़ एंड सिक्योर रखें, बात माने, वरना बहुत पछताएंगे। कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने एक बार दो बार पेमेंट कर दिया हो फिर ये वीडियो देख रहे हो, या फिर उनके फैमिली मेंबर्स को किसी को फ़ोन या फ़ोटो चला गया हो और प्रेशर में आके उन्होंने पैसे दे दिए हों। बहुत सावधान रहना है। अब इनसे कैसे बचना है ये सारा कुछ आपको हमारे लॉयर्स बता रहे हैं, जिससे कि आपको ना ही इनका पेमेंट का टेंशन, ना ब्लैकमेलिंग का, ना कॉन्टैक्ट में बदनामी का, कहाँ कंप्लेन करना है, कैसे डील करना है, अपने बचाव में क्या क्या स्टेप लेने हैं, सारा कुछ बताया जाएगा, जिससे कि बिना किसी टेंशन के, बिना समय पैसा गवाए आप अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। फेक लोन ऐप को समझना होगा कि ये फेक लोन ऐप है, आपने कोई लोन नहीं लिया है, जो पैसा आपके अकाउंट में आया वो कोई लोन अमाउंट नहीं है, आपके साथ एक फ्रॉड हो रहा है। तो फिर डर किस बात की, फ़ोन स्विच ऑफ कर देना, व्हाट्सएप बंद कर देना, ये सॉल्यूशन नहीं है। बंद करोगे कॉन्टैक्ट पे ज़्यादा कॉल जाएंगी, कॉन्टैक्ट भी उल्टा कॉल बैक करेगा तो वो भी आपको लेके नेगेटिव सोचेगा। आपके पास ऑप्शंस अदर हैं, ऑल्टरनेट ऑप्शन हैं इनको रोकने का, ब्लॉक करने का, अपने डाटा को हटाने का, इनसे डील और हैंडल करने का, इनके अगेंस्ट कंप्लेन करने का, कॉन्टैक्ट को अवेयर करने का, सारा कुछ आपको हमारे लॉयर्स बताते हैं, जिससे ना कॉन्टैक्ट कभी खुद ऐसे फ्रॉड में फंसेगा, ना आपको लेके नेगेटिव सोचेगा, ना फ्यूचर में आधार कार्ड पैन कार्ड के मिसयूज़ का टेंशन रहेगा आपको, और ना ही किसी अदर साइबर क्राइम फ्रॉड से रिलेटेड। बिकॉज जो रिकवरी एजेंट है इनके, ये आपके साथ एक और फ्रॉड करते हैं, कई बार पेमेंट लिंक पे करवा लेंगे, डाटा हैक उल्टा हो जाएगा, पैसा भी अपडेट नहीं होगा, आप एक और फ्रॉड में फंसेंगे। बिकॉज रिकवरी एजेंट ट्रेंड होते हैं जितना हो सके उतना ब्लैकमेल करके, डरा धमका के आपसे पैसे निकालने के लिए। जिस भी ऐप से परेशान है, ऐप का नाम, प्रॉब्लम, व्हाट्सअप करें, हेल्प लें, वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करें, चैनल को